बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई एक बड़ी खबर के साथ। जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगी, आग में झुलसकर 10 लोगों के मरने की आशंका है। अस्पताल का नाम न्यू लाइफ मल्टी सिटी हॉस्पिटल। अस्पताल में भीषण आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें देख सकते हैं किस कदर आग भयानक तरीके से बिल्डिंग को जला रही है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आग लगने की तस्वीरें बेहद भयानक और धू धू कर यह इमारत जलती हुई नजर आई। किस तरह से बिल्डिंग धधक रही थी, आग की लपटें चाहे ग्राउंड फ्लोर हो चाहे ऊपर नजर आ रही थी। आसपास खड़े लोग बेबस नजर आ रहे थे। एक अस्पताल जहां लोग जान बचाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां उनकी जान खतरे में पड़ गई। 10 लोगों की मौत इस हादसे में होने की पुष्टि हो चुकी है। बड़ा सवाल, अग्निशमन यंत्र जो कि हर बिल्डिंग में अस्पतालों में जरूरी होते हैं, क्या वहां नहीं थे? जो फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम होता है वो वहां नहीं था? आग लगी और किस कदर से बेकाबू हुई, ये तस्वीरें, भयानक तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कितनी जबरदस्त तबाही हुई होगी। हॉस्पिटल में आग लगने के बाद कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन 10 जिंदगियां इस मौत के मुंह में समा गई हैं इस आग की वजह से। आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम जो होता है, एक फायर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, क्या यहां पर उसकी अनदेखी की गई? क्योंकि हर एक बिल्डिंग जो सार्वजनिक होती है वहां पर फायर विभाग की सेफ्टी के नियम होते हैं, उसके हिसाब से परमिशन की जरूरत पड़ती है। और ये तस्वीरें बेहद भयानक, बेहद भयावह, जिस तरह से जबलपुर में एक अस्पताल में आग लगी। आज ये थाना गोहलपुर के पास चंडालबाटा स्थित न्यू लाइफ हॉस्पिटल में अचानक से स्पार्किंग के कारण आग लगी है। प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है, और ये आग इतनी खतरनाक थी कि ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से लगना शुरू हुई जो थर्ड फ्लोर तक गई। हमारी टीम के द्वारा तत्काल इस पे संज्ञान लेते हुए TI कोतवाली, TI गोहलपुर यहाँ उपस्थित हुए, और हमारी पूरी फोर्स ने इसको यहाँ पर आग को कंट्रोल करते हुए पूरे जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला। इसमें 7 गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं, जिनको मेडिकल और अन्य अस्पतालों में भेजा गया, बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अभी जो प्राइमरी जो सूचना है उसमें 4 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है और 3 लोग गंभीर रूप से इलाज रहते हैं। ये पुलिस अधिकारी का बयान आपसे थोड़ी देर पहले का था। मरने वालों का आंकड़ा 10 तक पहुंच चुका है। संवाददाता आकाश त्रिवेदी इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। आकाश, इस भयानक हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, इस मामले में अभी तक क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, करीब 10 लोगों की मौत हुई है और सबसे बड़ा सवाल यही है जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि फायर सिस्टम क्या यहां पर दुरुस्त था, क्योंकि जिस जगह पर यह अस्पताल बनाने की अनुमति दी गई थी, सबसे पहले अगर उस जगह की बात करें तो आसपास यहां पर जो वाहन बनाने की दुकानें हैं, यहां पर गाड़ियां बनाई जाती है उसकी दुकानें हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इस जगह पर अस्पताल बनाने की अनुमति कैसे दी गई, क्योंकि यहां पर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खड़ी होती हैं और कभी भी इस तरह का हादसा हो सकता था। दूसरा, अगर हम तस्वीरों को देखें तो करीब 1.5 घंटे तक यहां पर आग लगातार जलती रही, 1.5 घंटे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, और यह बताता है कि पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के नहीं थे, आग बुझाने के नहीं थे। क्योंकि एक बार जो घटना भोपाल में हुई थी, यहां के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आग लगी थी कमला नेहरू अस्पताल के, इसके बाद सरकार ने निर्देश दिए थे कि सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट होना चाहिए और फायर ऑडिट सुनिश्चित किया गया था कि सभी अस्पतालों में किया जाए, साथ ही आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है उससे लगता है कि यहां पर आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, क्योंकि 1.5 घंटे के भीतर 3 मंजिला जो अस्पताल था सुपर स्पेशलिटी, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और 10 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। आकाश, इस मामले पर सीएम का रिएक्शन आ चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है हादसे को लेकर, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं, चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर रहा हूं, कलेक्टर जिला प्रशासन से भी बात कर रहा हूं। आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। जो घायल हैं उनको दूसरे अस्पतालों में उपचार के लिए भेज के बेहतर उपचार की व्यवस्था की जा रही है। मैंने घटना की कमिश्नर जबलपुर को जांच के निर्देश दिए हैं, दुर्घटना के कारणों का भी पता करेंगे, दोषियों को दंडित भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता है जो दुर्घटना में
घायल हैं उनका ठीक से उपचार हो जाए और इस दुखद घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं। लगातार यहीं से संपर्क में हूं पूरे प्रशासन के और राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ले रहा हूं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसमें जो जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही साथ मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया है कि जो लोग भी इस घटना के दोषी हैं, इस अग्निकांड के, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में एक अस्पताल, 3 मंजिला अस्पताल धधकती हुई चिता में तब्दील हो गया। ऐसा लगा कि 10 लोग इसके अंदर झुलस करके मर गए और बड़ा सवाल यही है कि आखिर यहां सुरक्षा नियमों की अनदेखी अगर नहीं की गई होती तो उन लोगों की मौत नहीं होती। संवाददाता आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, सीएम ने भरोसा दिया है कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्या इस मामले में किसी तरह की FIR प्रबंधकों के खिलाफ किसी तरह की कोई अभी कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है? फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई तो देखने को नहीं मिली कानूनी तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि घटना की जांच के निर्देश दे दिए हैं। जबलपुर कमिश्नर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि पूरी घटना की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 10 लोगों की मौत का सवाल है और इसके साथ ही क्योंकि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, करीब 7 से 8 लोग गंभीर स्थिति में हैं जो झुलसे हैं इस पूरे हादसे में, क्योंकि 30 बेड थे इस पूरे अस्पताल में जो अब तक जानकारी सामने आई और 30 से 35 लोग भी यहां पर मौजूद थे उस वक्त जब ये घटना हुई है। हालांकि जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरे हादसे की वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, क्योंकि जो प्रारंभिक तौर पर हमारे पास जानकारी है वो ये है कि जब अस्पताल में लाइट गई, बिजली गई, इसके बाद जनरेटर को ऑन किया गया था और उस दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और इसके बाद आग तेजी से फैलना शुरू हुई और आग इस तरह फैली कि 1.5 घंटे के भीतर वो जो पूरी 3 मंजिला अस्पताल थी वो जलकर खाक हो गई और अब तक जो 10 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। जबलपुर कमिश्नर अब पूरे मामले की जो है वो जांच करेंगे और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इस तरह का हादसा क्यों हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जी आकाश, इस अस्पताल के संचालकों के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? कौन है वो लोग, किनका है ये अस्पताल? क्योंकि निश्चित तौर पर इस 10 लोगों की जो जान गई है इस पर जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है, ना सिर्फ इस अस्पताल के प्रबंधक बल्कि वो सरकारी विभाग भी जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, फायर डिपार्टमेंट के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। निश्चित तौर पर किसी पटेल जो है, एक पटेल हैं, उनका नाम पूरा मुझे ठीक तरीके से याद नहीं आ रहा, वो इस अस्पताल को संचालित करते हैं और सवाल अस्पताल संचालकों के ऊपर भी है, नगर निगम के ऊपर भी है, क्या फायर NOC ली गई थी, ये सभी तरह की जो सुरक्षा की NOC होती है उसे इस अस्पताल ने लिया था या नहीं लिया था, बिल्कुल, या आग बुझाने के लिए, वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है, क्योंकि 10 लोगों की मौत जिंदा जल करके हुई है जबलपुर हादसे में। बहुत शुक्रिया, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।